उत्तर प्रदेश हो या देश विदेश, लाइफ स्टाइल हो या मनोरंजन जगत, हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें हमारे मोबाइल ऐप अलाइव 24 न्यूज को। यूपी के बाराबंकी जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां मंगलवार को एक ही परिवार के चार लोग फांसी के फंदे पर लटकते मिले। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में मौके पर पुलिस अधीक्षक पहुंचे। सभी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दरअसल घटना जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी की है, जहां 40 वर्षीय ललित किशोर गौड़, उनकी पत्नी और दो बच्चों की लाशें फांसी के फंदे से झूलती मिली। ललित की फैमिली यहां किराए के मकान में रहती थी। पुलिस के मुताबिक ललित का विवाद प्रॉपर्टी के चक्कर में अपने छोटे भाई से चल रहा था। ललित मऊ जिले का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। ये आवास विकास कॉलोनी कोतवाली बाराबंकी है। यहाँ पर एक किराए के मकान पर रहने वाले ललित किशोर गौड़ हैं, जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष। इनके डॉक्यूमेंट के हिसाब से इनकी पत्नी यहाँ रहती हैं, दो बच्चे रहते हैं क्रमशः 12 और 8 वर्ष के। आज सवेरे दूध वाले ने जब घंटी बजाई और दरवाज़ा नहीं खुला, तो किराएदार और स्थानीय लोगों की मदद से दरवाज़ा खोला गया, तो सामने के कमरे में ललित किशोर गौड़ की बॉडी पंखे से लटकी हुई मिली। बाद में पुलिस को सूचना प्राप्त होने पर पूरे घर की तलाशी लेने पर चारों परिवार के सदस्यों की बॉडी फंदे से लटकी हुई मिली है। इनके संबंध में प्रारंभिक जानकारी जो डॉक्यूमेंट्स घर पर अवेलेबल थे, उसके हिसाब से जानकारी हुई कि ये दिल्ली में किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। वहाँ से लखनऊ ट्रांसफ़र पर आए। लखनऊ में कुछ दिन काम करने के बाद दिसंबर 2019 में इन्होंने एक पार्टनर के साथ बल्ब बनाने की फैक्ट्री या कोई यूनिट लगाई है, ऐसी प्रारंभिक जानकारी है, जिसका ऑफिस चिन्हट में है। लेकिन उसमें किसी प्रकार के विवाद घाटे आदि का कोई उल्लेख इनकी डायरी या किसी चीज़ में नहीं मिला है। इन्होंने सुसाइड नोट की तरह एक स्लिप लगा रखी है, जिसमें इन्होंने अपने पारिवारिक विवाद का उल्लेख किया है और एक डॉक्यूमेंट भी इन्होंने उपलब्ध कराया है पुलिस के अवलोकन के लिए। उसमें स्पष्ट तौर पर ये इंगित हो रहा है कि इनका विवाद अपने छोटे भाई के साथ प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर था। ये मऊ घोसी थाने के रहने वाले हैं। स्थानीय पुलिस के माध्यम से इनके घर पर सूचना कर दी गई है, जिससे परिवार वाले यहाँ आ जाएं और अग्रिम कार्रवाई। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।